हेलो एवरीवन गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे हाउस रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स। सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट है आंगन। मकान का जो आंगन होता है गाइस, मकान के आंगन को इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड। नेक्स्ट है मकान। गाइस, मकान को इंग्लिश में कहते हैं हाउस, हाउस। नेक्स्ट है कमरा। गाइस, मकान में जो कमरे होते हैं तो कमरा को इंग्लिश में कहते हैं रूम, रूम। नेक्स्ट है बड़ा कमरा। गाइस, जो बड़ा कमरा होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं हॉल, हॉल। नेक्स्ट है बैठक। गाइस, जहाँ पर लोग बैठ के बातचीत करते हैं तो बैठक को इंग्लिश में कहते हैं सीटिंग रूम, सीटिंग रूम। नेक्स्ट है भोजन कक्ष। गाइस, जहाँ पर बैठकर भोजन किया जाता है उसको बोलते हैं भोजन कक्ष, भोजन कक्ष को इंग्लिश में कहते हैं डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम। नेक्स्ट है शयन कक्ष। गाइस, जहाँ पर सोते हैं तो उसको बोलते हैं शयन कक्ष, शयन कक्ष को इंग्लिश में कहते हैं बेडरूम, बेडरूम। नेक्स्ट है भंडार कक्ष। गाइस, जहाँ पर सामान वगैरह स्टोर करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं भंडार कक्ष, भंडार कक्ष को इंग्लिश में कहते हैं स्टोर रूम, स्टोर रूम। नेक्स्ट है अध्ययन कक्ष। गाइस, जहाँ पर बैठकर पढ़ाई वगैरह की जाती है तो उसको बोलते हैं अध्ययन कक्ष, अध्ययन कक्ष को इंग्लिश में कहते हैं स्टडी रूम, स्टडी रूम। नेक्स्ट है बगीचा। गाइस, बगीचा को इंग्लिश में कहते हैं गार्डन, गार्डन। नेक्स्ट है गराज। गाइस, गाड़ी वगैरह खड़ी करने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं गराज। गाइस, गराज को इंग्लिश में कहते हैं गैरेज, गैरेज। नेक्स्ट है बरामदा। गाइस, बरामदा को इंग्लिश में कहते हैं पोर्च, पोर्च। नेक्स्ट है छज्जा। गाइस, जो छज्जा होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं बालकनी, बालकनी। नेक्स्ट है गलियारा। गाइस, गलियारा को इंग्लिश में कहते हैं कॉरिडोर, कॉरिडोर। नेक्स्ट है शौचालय। गाइस, शौचालय को इंग्लिश में कहते हैं टॉयलेट, टॉयलेट। नेक्स्ट है स्नान गृह। गाइस, स्नान गृह को इंग्लिश में कहते हैं बाथरूम, बाथरूम। नेक्स्ट है जीना। गाइस, जीना को इंग्लिश में कहते हैं स्टेयर, स्टेयर। नेक्स्ट है रेलिंग वाला जीना। गाइस, जो रेलिंग वाला जीना होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेयर केस, स्टेयर केस। नेक्स्ट है रेलिंग। गाइस, जो जीने में रेलिंग लगी हुई होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं हैंड रेल, हैंड रेल। नेक्स्ट है छप्पर। गाइस, छप्पर को इंग्लिश में कहते हैं शेड, शेड। नेक्स्ट है रसोई। गाइस, रसोई को इंग्लिश में कहते हैं किचन, किचन। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। बाहरी छत। गाइस, जो बाहरी छत होती है इस तरीके की, इसको इंग्लिश में कहते हैं रूफ, रूफ। नेक्स्ट है भीतरी छत। गाइस, जिस पे फैन या फिर झूमर वगैरह टांगते हैं तो भीतरी छत को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग, सेलिंग। नेक्स्ट है छत। गाइस, छत जिस पे चारों तरफ बाउंड्री होती है तो छत को इंग्लिश में कहते हैं टेरेस, टेरेस। नेक्स्ट है दहलीज। गाइस, दहलीज को इंग्लिश में कहते हैं थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड। नेक्स्ट है अंगीठी। गाइस, अंगीठी को इंग्लिश में कहते हैं फायरप्लेस, फायरप्लेस। नेक्स्ट है धुआंकश। गाइस, जिसकी हेल्प से धुआं को बाहर निकाला जाता है तो धुआंकश को इंग्लिश में कहते हैं चिमनी, चिमनी। नेक्स्ट है नाली। गाइस, जो गंदे पानी की नाली होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रेन, ड्रेन। नेक्स्ट है परनाला। गाइस, जिसकी हेल्प से जो छत का पानी होता है उसको नीचे लेके आते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्रेन पाइप, ड्रेन पाइप। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।